हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। हम पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके केमिस्ट्री में उसका क्या रोल होता है। पर जितना ये सिंपल है, इसका रोल, उसकी एप्लीकेशन उतनी ही वाइड है और उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करती है, कार्बन आयन पे डिपेंड करती है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इस पे डिपेंड करती है, प्लस जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, वो भी इस पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। इंडक्टिव इफेक्ट पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। वो सारी चीजें बारी बारी पढ़ेंगे और आइए शुरू करेंगे और एंड तक सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, अगर उसको मैं सिंपली आपसे कहूं बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सपोज कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में दो एटम लगे हैं जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से अलग अलग है, इससे मतलब क्या हुआ हमारा, ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की जो कैपेसिटी है दोनों की अलग अलग है। कोई इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच सकता है, कोई अपने आप को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींच सकता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। तो अगर किसी सिग्मा बॉन्ड में, किसी सिंगल बॉन्ड में अगर दो ऐसे एटम लगे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में जी हमें पता है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, और अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, सपोज एक्स जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू आर, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उस बॉन्ड की वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उस तरफ शिफ्ट होगी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है हमें पता है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव, तो जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो आ जाएगा एक्स पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आर पे, ठीक है, आर टू पे, सिंपल सी बात है। हमने क्या कहा, कि जो एक बॉन्ड है, बॉन्ड में जो दो एटम है उनकी पोलैरिटी अलग है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग, उनकी पोलैरिटी, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गए उस बॉन्ड के, तो जिस तरफ शिफ्ट हुए उस तरफ चार्ज नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड कोवलेंट ही रहेगा पर पोलर बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो गया उस बॉन्ड के, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, किसी सिंगल बॉन्ड में इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव या आई इफेक्ट, ठीक है बच्चों, बात सिंपल है। और इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमेशा परमानेंट है, पहली चीज क्या हमें ध्यान रखनी है बच्चों, ये परमानेंट इफेक्ट होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ये जो इफेक्ट है परमानेंट, अगर कोई मॉलिक्यूल बना तो इफेक्ट परमानेंटली रहेगा, टेम्परेरी नहीं होता, ये परमानेंटली रहेगा। ये एटम जुड़े रहेंगे तो एटम वो खींचता ही रहेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन और वो दूसरा देता ही रहेगा उसको इलेक्ट्रॉन, वो कोई टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट इफेक्ट है, प्लस डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और परमानेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट से हमारा मतलब क्या है कि जितना जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मॉलिक्यूल दूर होता जाएगा उतना उस पे उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। इस R1 पे भी इफेक्ट पड़ेगा पर एज कंपेयर टू R2 कम पड़ेगा क्योंकि ये दूर है इससे, इसलिए डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल आगे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उसका इफेक्ट तीन के बाद ये खत्म हो जाता है, तीन एटम के बाद ये खत्म हो जाता है, एक दो और तीसरे के बाद ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो यहां तक बात क्लियर बच्चों, यहां तक कोई भी डाउट, यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर। अब मैंने बात की कि जो आई इफेक्ट होता है वो कैसे आता है, जब कोई इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप उस तरफ लगा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस तरफ लगा हो तो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचता है, ठीक है। तो क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं, दो ही चीजें होंगी, एक पहली चीज क्या होगी बच्चों, कोई एटम होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, दो ही चीजें होंगी, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को एक विड्रॉ करेगा और एक उसको देगा, सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा और एक डोनेट कर रहे हैं। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, वो ध्यान से देख सुनिए बच्चों, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं उनको हम कहते हैं वो माइनस आई इफेक्ट देते हैं। वो कौन से इफेक्ट देते हैं बच्चों,
वो माइनस आई इफेक्ट देते हैं, और जो ग्रुप उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में डोनेट कर रहे हैं वो हमें देते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। बात समझ में आ गई? या तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो विड्रॉ कर रहा है उसको बोलते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट देता है। ठीक है, ये बात सिंपल सी क्लियर? ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विड्रॉ और डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ या डोनेट करने की कैपेसिटी है, वो हम रिलेटिव टू हाइड्रोजन लेके चलते हैं, रिलेटिव टू हाइड्रोजन लेके चलते हैं। हाइड्रोजन एटम से अगर कोई एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव आई इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखता है। अगर वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है किसी बॉन्ड में तो उसको हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को उस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ दे रहा है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर? तो कौन कौन से ग्रुप आते हैं हमारे पास जो नेगेटिव आई इफेक्ट देते हैं, कौन कौन से ग्रुप हमारे पास आ रहे हैं जो नेगेटिव आई इफेक्ट दे रहे हैं, वो सीओ ग्रुप, सी एन, सीओ आर, नाइट्रो, ओ आर, ये जितने भी ग्रुप हैं ये हमें नेगेटिव आई इफेक्ट देते हैं किसी बॉन्ड के अंदर, नेगेटिव हैलोजन्स। ठीक है, ये कितने भी जितने ये ग्रुप्स हैं अगर ये किसी बॉन्ड में कार्बन के साथ जुड़े हैं, किसी बॉन्ड में जुड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये नेगेटिव आई इफेक्ट शो करते हैं। और जितने भी अल्काइल है ग्रुप हैं उनको हम कहते हैं वो प्लस आई इफेक्ट देते हैं। अल्काइल ग्रुप में जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये जितने भी अल्काइल ग्रुप है ये हमें इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात खत्म होगी बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या है, इसकी एक बेसिक सी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, जो मैंने बात की थी कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल और एसिडिक ऑर्गेनिक एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है इन चीजों इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करती है, वो किस तरह से डिपेंड करती है, आइए उन चीजों को समझते हैं, बेसिक बारी बारी चीजों को समझेंगे, बेसिक्स है आपको इजिली समझ आएगा। पहले हम देखते हैं कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इन तीनों की स्टेबिलिटी किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करती है, तीनों एक साथ सिमिलर हैं तो एक साथ समझने में इजी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से हमारे पास कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन जो है उनकी स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन सा स्टेबल ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है और क्यों होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहली बात करते हैं हम कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन में कार्बोकैटायन का पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या कहा था कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन वो स्पीसीज है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसी रिएक्टिव स्पीसीज, इंटरैक्शन इंटरमीडिएट जिसके पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब समझिए सिंपल सी बात को, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या, कार्बन को क्या चाहिए, कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, कार्बन को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन भी कम है उसके पास, तो अब कोई ग्रुप अगर उसके पास लगा हुआ है, अब मैंने कहा था अल्काइल ग्रुप क्या देता है प्लस आई इफेक्ट, अल्काइल ग्रुप का इफेक्ट क्या है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ बॉन्ड में इस तरफ देगा, इस तरफ देगा। अब यहां पे पहला हमारे पास मिथाइल कार्बोकैटायन है, मिथाइल कार्बोकैटायन के पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है तो कोई उसको बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता ये। ठीक है, यहां पे एक है, यहां पे सिमिलरली दो है और यहां पे तीनों के तीनों टर्श, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। प्राइमरी कौन होता है जिसके पास एक अल्काइल ग्रुप हो, सेकेंडरी के पास दो अल्काइल ग्रुप है, टर्शियरी के पास तीन अल्काइल ग्रुप है, तो जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है वो तीनों तरफ से उसको इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, उसके पास टर्शियरी कार्बोकैटायन तीनों तरफ से उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस तरफ क्या होगा इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, पहले मिथाइल सबसे कम, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले बढ़ते गए वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती गई, इसलिए टर्शियरी कार्बोकैटायन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मिथाइल। यहां तक बात क्लियर बच्चों? ठीक है, यहां तक बात क्लियर? ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फ्री रेडिकल की बात करूं, फ्री रेडिकल मैंने फ्री रेडिकल चैप्टर में भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होता है, इसने ना इलेक्ट्रॉन दिया है ना इलेक्ट्रॉन लिया है, अपने टोटल इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, पर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब क्या, इसके ऑक्टेट में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहे हैं, तीन यहां छह यहां बने H3 के साथ, एक इसके पास बचा, सात ही बचे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है अपनी ऑक्टेट से, इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है पर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है पर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रिकल इस पर कोई चार्ज नहीं है इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको इलेक्ट्रॉन तब भी चाहिए, क्यों चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इस पर भी सिमिलरली वही फैक्टर लगेगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं वो इसको
स्टेबल करेंगे, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो इसको स्टेबल करेंगे। तो इस केस में भी हमारे पास जो टर्शरी फ्री रेडिकल है, टर्शरी फ्री रेडिकल हमारे पास क्या कर रहा है, तीनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो इसकी भी स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इस तरफ ही जाएगा, इसकी भी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इस तरफ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर। अब बात करते हैं कार्बनायन की। कार्बनायन के केस में ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, इसके पास नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी ज्यादा है, तो कोई भी ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी नेगेटिव चार्ज को और डिस्टेबलाइज कर, और इलेक्ट्रॉन उसको भरे जा रहे, पहले भी ओवरलोड हो रखा है, गाड़ी को और लोड दिए जा रहे हो, तो ये क्या होगा, उतना ही कम स्टेबल होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, हमेशा उल्टा आएगा। इस केस में मिथाइल ज्यादा स्टेबल होता है कार्बनायन के केस में। अब ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई, क्यों किस केस में क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों कम स्टेबल होता है, वो इसलिए स्टेबल होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट दे रहे थे वो कार्बोक्टाइन और फ्री रेडिकल को स्टेबल कर रहे थे, पर यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं वो उस कार्बनायन को अनस्टेबल करेंगे, क्योंकि कार्बनायन पहले ही नेगेटिव चार्ज से ओवरलोड हो रखी है, उसमें पहले एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों ये बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड की स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट पे कैसे चलती है, ठीक है, उस कंसेप्ट को बात करते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनकी स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए ये चीज पढ़ने से पहले मैं सिंपल बेसिक सी बात अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि एसिड होता क्या है, एसिड क्या है हमारे पास, जो एच पॉजिटिव रिलीज करता है, जो एच पॉजिटिव आयन देता है, जो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करे उसको हम एसिड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक जैसे सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, RCOOH, ठीक है। जब RCOOH अब एसिड है तो एसिड का काम क्या है, एसिड का काम है एच पॉजिटिव देना, तो RCO नेगेटिव में जब एच पॉजिटिव दिया तो ये हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव, ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब कोई एसिड है वो ज्यादा अच्छा एसिड कब होगा, जो जितने इजीली एच पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है, जितना इजीली वो एच पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है उतना अच्छा वो एसिड होगा, उतना स्ट्रांग वो एसिड होगा। तो कोई भी एसिड है ऑर्गेनिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कितनी इजीली एच पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है, एच पॉजिटिव को कितना रेडिली रिलीज करेगा, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, जब उसकी कार्बोक्सिलेट आयन है वो कितनी स्टेबल बन रही है, कितनी ज्यादा स्टेबल बन रही है। अगर ये कम स्टेबल है तो वापस एच पॉजिटिव को लेकर RCOH बन जाएगा, क्योंकि भाई मैं स्टेबल ही नहीं हूं तो मैं एच पॉजिटिव क्यों दूं, जब मैं स्टेबल ही नहीं हूं तो मैं एच पॉजिटिव क्यों दूं, पर अगर मैं स्टेबल हूं मैं अपने अकेले रह सकता हूं तो भाई तो घूमता रहा एच पॉजिटिव, तो घूमता रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, पर अगर मैं खुद ही स्टेबल नहीं हूं तो मैं एच पॉजिटिव क्यों दूंगा, अगर मैं बनने के बाद खुद ही स्टेबल नहीं हूं तो एच पॉजिटिव क्यों दूंगा, पर अगर मैं बनने के बाद स्टेबल हूं तो मैं एच पॉजिटिव दूंगा, ठीक है, बात समझ आई। तो अब इसकी स्टेबिलिटी, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसे डिपेंड करती है इंडक्टिव इफेक्ट पे, उस चीज को समझते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। अब ये RCOO नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है, RCOO नेगेटिव है, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, ये रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके पास क्या है, COO नेगेटिव के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो अब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से ओवरलोड है, गाड़ी ओवरलोड है। अब कोई भी फैक्टर जो इसके इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, कोई भी फैक्टर जो इसके इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा वो इसको अनस्टेबल करेगा, समझी बात, क्योंकि बात समझ में आ रही है, जैसे कार्बनायन के केस में हुआ था वैसे इस केस में भी क्या हुआ, जो भी फैक्टर इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा वो उसको उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझूं, अगर मैं HCOOH लेता हूं और CH3COOH लेता हूं, ठीक है, अब इनके केस में क्या होगा, इनकी जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है, अब CH3 लगा है, CH3 हमें पता है क्या देता है, CH3 हमें देता है प्लस आई इफेक्ट, तो नेगेटिव चार्ज को ये अनस्टेबल करेगा, तो इसके केस में क्या होगा, फॉर्मिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड, क्यों, क्योंकि जो उसकी कार्बोक्सिलेट आयन बन रही है वो ज्यादा स्टेबल बन रही है, कार्बोक्सिलिक आयन जो है उसकी ज्यादा स्टेबल बन रही है। अब वैसे इसको थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर दूं, अगर CH3 की जगह मैं CH2Cl लगा दूं, तो क्लोरीन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, क्लोरीन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसको ज्यादा स्टेबल करेगा। तो इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो उनकी स्ट्रेंथ हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से,
जो ग्रुप यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देंगे, जो ग्रुप यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देंगे वो उस आयन को अनस्टेबल करेंगे, तो उस एसिड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। जितना नेगेटिव आई इफेक्ट देने वाले होंगे वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर, यहां तक क्लियर। तो ये था हमारा पूरा इंडक्टिव इफेक्ट का पूरा लेक्चर, इसमें हमने जो जो चीजें पढ़ी, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू बच्चों।